वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए देखते हैं कि आप जिस भी आज के इस जीवन में हम लोग बहुत सी परेशानियों को फेस करते हैं और हमें लगता है कि ये दिक्कत सिर्फ हमारे साथ ही आई है। सबके साथ तो बहुत अच्छा होता है लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं होता। कभी क्यों भगवान हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, क्यों मुझे अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा काम नहीं मिलता। इस तरह की परेशानियां बहुत से लोग फेस कर रहे हैं जो हमें आजकल कमेंट आ रहे हैं, और उनके इन प्रेजेंट में कुछ उनके लिए कोई दिक्कत दिख भी नहीं रही है। तो हम आज ये रीडिंग उनके लिए कर रहे हैं कि क्या जो ये परेशानियां फेस कर रहे हैं, क्या उसका नाता आपके पिछले जन्मों के कर्मों से है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड, किसका नाता आपके पिछले जन्मों के कर्म से है, किसका किस वजह से आप ये तकलीफें भोग रहे हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली जो है थोड़ा नेगेटिव कार्ड आ गया है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके कार्मिक्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, आपके कार्मिक्स की वजह से ही आपको सारी परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। और ये कार्मिक्स आपके अभी के नहीं हैं, काफी समय के हैं, काफी जो है आपने मतलब कि आपने शायद अपने बचपन से ही चीजें बहुत डिफिकल्टीज देखी हैं और कंटिन्यू डिफिकल्टीज देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे कार्ड ये दिखा रहे हैं कि जो भी चीजें आप सिचुएशंस फेस कर रहे हैं ये आपके पिछले जन्मों से संबंधित है। आप अब हमारे पास ये आता है कि अपना पिछले जन्म से संबंधित कर्म है जो हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हम ये परेशानी फेस कर रहे हैं। तो उसको हम कैसे ठीक करें, कैसे सुधारें और अपने आने वाला समय अच्छा बनाएं। तो देखिए क्या कहते हैं कार्ड कि कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है जो ये दिखा रहा है कि आपके अंदर नकारात्मकता बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने इतनी डिफिकल्टीज फेस की हैं, अपने पुराने कर्मास को आप फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कई सारी परेशानियां आने से अब आपको कहीं किसी में कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा। कहीं अगर कोई आपके लिए अच्छा करता भी है तो आपको लगता है तो मेरे लिए बहुत ही बुरा कर रहा है, और मतलब कहीं पर भी आप उसका पॉजिटिव तो देख ही नहीं पा रहे। तो आपके लिए सबसे बड़े प्रिकॉशन के लिए यहाँ पे जो गाइडेंस है कि आप किस तरह से अपनी चीजों को सुधारें, तो सबसे पहले तो आपको इस जो डिप्रेसिव स्टेट के अंदर आप आए हुए हैं आपको इससे बाहर निकलना है। एक छोटी सी गेट टूगेदर अरेंज करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताना है और कुछ ना कुछ आपको किसी को, जरूरतमंद को कुछ ना कुछ जो है आपको देना है ताकि जो आपके पिछले जन्म के कार्मिक्स आपके इस जन्म पर असर डाल के आपके जीवन को खराब कर रहे हैं वो थोड़े से सुधर जाएं और आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएं। थैंक यू व्यूअर्स।